दोस्तों बिग बैश लीग 2020-21 सीजन में कल को दो मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि डबल हेडर हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों मुकाबलों के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल को खेले जाने वाले पहले मैच के बारे में। तो कल को खेला जाएगा बिग बैश लीग का पहला जो मुकाबला होगा वो होगा 47वां मुकाबला, और ये मुकाबला खेला जाएगा होबर्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर टीम के बीच, और ये मुकाबला खेला जाएगा मार्वल्स स्टेडियम डॉक्सलैंड में। इंडियन समय के अनुसार ये मुकाबला 10:35 पे सुबह के समय पर शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले दो मुकाबले खेले जा चुके हैं बिग बैश लीग 2020 की सीजन के, जिसमें से एक मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती और एक मुकाबला पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती। तो इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले बैटिंग करो या फिर आप पहले गेंदबाजी करो, जो टीम अच्छा खेलती है इस ग्राउंड के ऊपर वो मुकाबले जीतती है। दोस्तों पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि टेलीग्राम के ऊपर बिग बैश लीग के कल को खेले जाने वाले दोनों मैचों की और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे आप टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी होबर्ट हरिकेन्स टीम के सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर्थ स्कॉचर टीम के खिलाफ, जो कि पहला मैच खेला जाएगा, और दूसरे मैच की भी ऐसी ही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस जानकारी को अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे पहले कमेंट में, टेलीग्राम के ऊपर जाइए और इस जानकारी को देख लीजिए। तो गाइस यहां पर बात करते हैं पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में, तो यहां पर विकेटों के मामले में तो तेज गेंदबाज बेहतर है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी तेज गेंदबाज बेहतर है। इकॉनमी रेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर के बारे में अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर है 161 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 174 रन, सबसे कम स्कोर बना 115 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 158 रन और सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 174 रन। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बता देंगे बल्लेबाजी के ऊपर कल को खेले जाने वाले दोनों मुकाबलों की आपको बिल्कुल फ्री एंट्री मिल रही है, यानी कि आपको एक भी रुपया नहीं लगाना पड़ेगा और लाखों रुपए आपके पास जीतने का मौका है। अगर आप इस मौके को बुनाना चाहते हो तो सबसे पहले बल्लेबाजी ऐप को करो डाउनलोड, बल्लेबाजी का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे पहले कमेंट में। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करो और रेफर कोड इस्तेमाल करो क्रिक स्टार्स, फिर आपको 50 रुपए हमारी तरफ से मुफ्त मिल जाएंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर होबर्ट हरिकेन्स टीम के खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखते हैं दार्सी चॉट, मैकडरमॉट और उसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग टिम डेविड के बारे में, पीटर हैंडस्कॉम के बारे में या फिर डेविड मिलान के बारे में, सारे खिलाड़ी आपको अच्छे फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं पीटर हैंडस्कॉम के बारे में तो इनका बड़ा नौक अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। खिलाड़ी जी अच्छे फॉर्म में है और इस खिलाड़ी का कभी भी हमें कोई बड़ा नौक देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि इसी मैच में इस खिलाड़ी का कोई बड़ा नौक हमें देखने को मिल जाए, इसलिए फैंटेसी टीम बनाते समय इस खिलाड़ी के ऊपर खास नजर रखनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाजों के बाद अगर बात करते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम के गेंदबाजों के बारे में, तो यहाँ पर होबर्ट हरिकेन्स टीम के तीनों तेज गेंदबाज बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं रेले की, नैथन की बात करते हैं या फिर बात करते हैं यहाँ पर स्कॉट ब्लांट की, और स्कॉट ब्लांट के बारे में मैंने बताया था जब पिछला मैच हुआ था होबर्ट हरिकेन्स टीम का कि स्कॉट ब्लांट का मैच विनिंग स्पेल आने वाला है, और वो स्पेल आया था पिछले मैच में। उसके बाद अगर बात करते हैं संदीप लामी चाने के बारे में, तो अब आपको नजर रखनी पड़ेगी संदीप लामी चाने के ऊपर, क्योंकि इनका भी मैच विनिंग स्पेल आने ही वाला है। होबर्ट हरिकेन्स टीम के बाद आप अगर बात करते हैं पर्थ स्कॉचर टीम के बल्लेबाजों के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे। जॉश हिंजस की बात करते हैं या फिर बात करते हैं जेसन रॉय की, कॉलिन मंद्रो तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग मिचेल मार्श अच्छे फॉर्म में है, हालांकि ये इंजर्ड है नहीं खेलेंगे। लियम लिविंगस्टोन बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एस्टन टर्नर का नौक अभी भी आना बाकी है। कैमरन ब्रैंडक्रॉफ्ट का भी अभी नौक आना बाकी है। इन दो खिलाड़ियों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करते हैं गेंदबाजों के बारे में, तो गेंदबाजों में यहाँ पर आपको जैर जिडसन, एंड्रू टाई, दो ऐसे गेंदबाज जिनके मैच विनिंग स्पेल आ चुके हैं, जिनके बेस्ट परफॉर्मेंस आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं जेसन बैरनड्रॉफ के बारे में, तो इनका मैच विनिंग स्पेल अभी आना बाकी है। तो फैंटेसी टीम बनाते समय आपको जेसन बैरनड्रॉफ के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं फवाद अहमद के बारे में, तो जैसा मैंने बोला था कि इनका मैच विनिंग स्पेल कभी भी आ सकता है। पिछले मैच जब इनका हुआ था उस मैच से पहले जो वीडियो था उस मैच वीडियो में मैंने बोला था,
तो वो पिछले मैच में जैसे आपने देखा 25 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए थे, तो मैच विनिंग स्पेल इनका पिछले मैच में हमें देखने को मिला था। और दोस्तों आप यहां पर बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होबर्ट हरिकेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। यहां पर बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। विल जैक्स की जगह पर मैथ्यू वेड को मौका मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है विकेट कीपिंग का। टिम पेन विकेट कीपिंग करेंगे और मिचेल वॉन को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करते हैं पर्थ स्कॉचर टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनकी प्लेइंग 11 में बदलाव कम होने के आसार हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, तो यहां पर पलड़ा भारी रहता है पर्थ स्कॉचर टीम का, क्योंकि इन्होंने 8 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले जीते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम ने। पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करते हैं तो यहां पे पलड़ा भारी हो जाता है होबर्ट हरिकेन्स टीम का, क्योंकि इन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और पर्थ स्कॉचर टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं बिग बैश लीग 2020 की सीजन के दोनों टीमों के सफर के बारे में, तो यहां पर होबर्ट हरिकेन्स टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग पर्थ स्कॉचर टीम के बारे में, तो इन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और अब गाइस बात कर लेते हैं कल को होने वाले दूसरे मैच के बारे में। तो बिग बैश लीग का 48वां मुकाबला खेला जाएगा कल को, और ये मैच खेला जाएगा सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर टीम के बीच, और ये मुकाबला खेला जाएगा एडिलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार कल दोपहर को 1:45 पे शुरू हो जाएगा। दोस्तों ग्राउंड के बारे में अगर बात करते हैं, तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं बिग बैश लीग 2020 की सीजन के, जिसमें से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती और 3 मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती। तो इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी टीम पहले बैटिंग करे या फिर पहले गेंदबाजी करे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो टीम अच्छा खेलती है वो टीम इस ग्राउंड के ऊपर मुकाबला जीतती है। दोस्तों पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि बिग बैश लीग 2020 की सीजन के हर मैच की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है, हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो फटाफट आप इस चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, फिर आपको मिलेगी हर मैच की जानकारी सबसे पहले। तो गाइस अगर बात करते हैं पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में, तो यहाँ पर विकेटों के मामले में तेज गेंदबाज बेहतर है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी तेज गेंदबाज बेहतर है। इकोनॉमी रेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर के बारे में अगर बात करते हैं, तो इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर है 157 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 197 रन, सबसे कम स्कोर बना 94 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 177 रन और सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 165 रन। मौसम के बारे में अगर बात करते हैं, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 31 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिडनी सिक्सर टीम के खिलाड़ियों के बारे में। बल्लेबाजों की पहले बात करेंगे, तो यहां पर अगर बात करते हैं जॉर्ज फिलिपी के बारे में, जेम्स विंस के बारे में, डैनियल ह्यूजेस के बारे में, जॉर्डन सिल के बारे में या फिर डैनियल क्रिस्टन के बारे में, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर देखते हैं जॉर्डन सिल का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखते हैं, तो इनका फॉर्म तो बेहतर है लेकिन इनकी अभी अर्धशतकीय पारी कोई भी हमें नहीं देखने को मिली है बिग बैश लीग 2020 की सीजन में, तो वो पारी हमें कभी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करते हैं गेंदबाजों के बारे में, तो गेंदबाजों में यहाँ पर बैंत वार्शन की वापसी होगी, अच्छे फॉर्म में है, उनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं कार्लोस ब्रेथवेट अच्छे फॉर्म में है, इनका मैच विनिंग स्पेल आ चुका है। जेक बॉल की बात करते हैं, जैक्सन बर्ड की बात करते हैं, स्टीवो कीप की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा फोकस करने वाला जो गेंदबाज है वो है बैन द्वारशिन। और दोस्तों आप यहाँ पर बात करेंगे सिडनी थंडर टीम के बारे में, तो यहाँ पर बल्लेबाजों की पहले बात कर लेते हैं, तो बल्लेबाजों में अगर देखा जाए इनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है। उस्मान ख्वाजा की बात करते हैं, एलेक्स हेल की बात करते हैं, कॉलम फर्गुसन की बात करते हैं, सैम बेलिंग की बात करते हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में है खिलाड़ी, ओलिवर डेविस की बात करते हैं या फिर एलेक्स रोज की बात करते हैं, दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी खेलेगा लेकिन दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। खासकर अगर बात करते हैं ओलिवर डेविस की, इनके खेलने के चांस ज़्यादा है, अगर ये खेलते हैं तो इनके ऊपर आपको खास नज़र रखनी पड़ेगी। बड़े कैलिबर का ये खिलाड़ी है और इनका अभी बड़ा नॉक आना बाकी है और वो हो सकता है कि इसी मैच में आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद अगर बात करते हैं बैन कटिंग के बारे में, तो आपको मालूम ही है डैनियल सैम्स के बारे में, आपको मालूम है डैनियल सैम्स इंजर्ड हैं तो इसलिए वो मैच नहीं खेलेंगे। बल्लेबाजों के बाद अगर गेंदबाजों की बात करते हैं, तो यहाँ पर तनवीर सांगा की बात करते हैं, नैथन मैकएंड्रू की बात करते हैं, दोनों गेंदबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और हर मैच में विकेटें लेते हैं। क्रिस ग्रीन भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं एडम मिलने के बारे में, ये गेंदबाज अच्छे फॉर्म में तो है
अप फ्रंट में बॉलिंग भी कराते हैं, पहली नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं और डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। तो इनका भी मैच विनिंग स्पेल मेरे हिसाब से कभी भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गेंदबाज भी अच्छी लय में नजर आ रहा है। और दोस्तों आप यहां पर बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सिडनी सिक्सर टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहां पर दो बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे, जेसन एवेंडो को बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह पर मोजिक हेनरिकेज को मौका मिलेगा। और दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है गेंदबाजी में, बेन वार्शिन को मौका मिलेगा जेक बॉल की जगह पर। सिडनी सिक्सर के बाद अगर बात करते हैं सिडनी थंडर टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसके बहुत ज्यादा आसार हैं। गाइज अगर बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, तो यहां पर बहुत ज्यादा पलड़ाबारी रहता है सिडनी सिक्सर टीम का, क्योंकि इन्होंने 12 मुकाबले जीते हैं और सिडनी थंडर टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं। गाइज पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करते हैं, तो पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले सिडनी सिक्सर टीम जीती है, जबकि 2 मुकाबले सिडनी थंडर टीम जीती है। और लास्ट में दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर बिग बैश लीग 2020 की सीजन के दोनों टीमों के सफर के बारे में, तो यहां पर सिडनी सिक्सर टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। वहीं अगर बात करते हैं सिडनी थंडर टीम के बारे में, तो इन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। तो चलिए गाइस ये था इस वीडियो में, किसी और नए वीडियो के साथ करेंगे आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना।